जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये है नाइट का सीन। आज का जो ब्लॉग है मेरा, वो मेरे लड्डू गोपाल जी के घूमने जाने का है। तो दिखाते हैं हम आपको कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने गए थे दोनों बाबुओं के साथ में। तो ये नेक्स्ट डे का है। तो नाइट पे मैंने आपको दिखा दिया था, लाला को दोनों को सुला दिया था, और ये दोनों इधर उठ चुके हैं और हम लोग जाएंगे आज घूमने के लिए। तो दोनों बाबू बैठ करके अपना डिसाइड कर रहे हैं कि इन दोनों को जाना कहाँ है। और ये दीदी हैं, तो दीदी मेरी इन दोनों को नहला रही हैं। ये बाहर बैठ करके बालकनी में दोनों को नहला रही हैं धूप में, क्योंकि ठंडी थी तो सोच रहे थे इनको आराम से धूप में बिठा करके दोनों को नहलाया जाए। तो ये मेरा छोटा बाबू है जो नहा रहा है, और दोबारा में फिर दूसरा बाबू नहाएगा बड़ा वाला। तो दीदी इसको नहला रही है, नहला के कंप्लीट इसका हो चुका है नहाना धोना, और ये बड़ा वाला बाबू नहा रहा है तो इसको भी नहला रही है। तो हम लोग ना इनको चंदन से नहलाते हैं, गोपी चंदन आता है और एक तुलसी चंदन भी आता है, दो चंदन आते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे अपने बाबू के लिए वो यूज़ कर सकते हो, गोपी चंदन भी यूज़ कर सकते हो और नहलाने के लिए, क्योंकि इनसे ना ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। और ये देखिए दोनों नहा चुके हैं। तो छोटा वाला है जो वो बैठा हुआ है टॉवल ओढ़ के, और बड़े वाले को देखो कैसे पोछाई हो रही है इसकी। उसके बाद इन दोनों को रेडी कर दिया जाएगा जाने के लिए। तो देखिए इसकी खूब मस्ती हो रही है, और ये दोनों देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। न्यू ड्रेस जो कि मेरा फेवरेट थी, तो वो मैंने आज पहनाई थी इन दोनों को, और दोनों ही बड़े सोने सोने लग रहे थे और बड़े प्यारे और क्यूट लग रहे थे। और दीदी ने खिला रही है मिठाई, क्योंकि ये नहा धो करके आए थे, दूध तो इन्होंने पी लिया था मॉर्निंग में, और अभी नहला धुला के फिर इनको मिठाई खिलाई है हम लोगों ने। और फिर हम लोग जल्दी से जाएंगे घूमने के लिए, फिर आप भी हमारे साथ चलना। और मैंने बनाया था इनके लिए नाश्ते में दूध रोटी। दूध रोटी का इन दोनों को खाना था, इनका मन था, दीदी बोली इनको दूध रोटी खाना है, तो फिर मैंने इन दोनों के लिए नाश्ता बना दिया था दूध रोटी का, तो इन दोनों ने खाई थी। और उसके बाद में हम लोगों ने भी नाश्ता किया अपना, और फिर हम लोग निकल चुके घूमने के लिए। तो चलिए चलते हैं, और मैं बताती हूँ आप लोगों को कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अपनी छोटी वाली यानी बीच वाली सिस्टर के घर। तो हम लोग घूमने जाते हैं उसके घर पे, तो उसने हम लोगों को बुलाया है, दोनों बाबुओं को भी घर पे बुलाया है, तो हम लोग उसके घर जा रहे हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। ये देखो दोनों आराम से हम उसके घर पहुंच गए हैं, और दोनों आराम से बैठे हुए हैं वहाँ पर, और कितने क्यूट और कितने स्वीट लग रहे हैं दोनों ना। और पता है इनका जो बैग है, एक बैग में मैं पूरा सामान रखती हूँ इनका, जो भी खाने का पीने का रहता है इनका, और इनका बिस्तर, इनके टॉवल्स, इनकी कपड़े, मतलब एक बैग इनके लिए मुझे अलग से लेना पड़ता है अगर मैं कहीं भी जाती हूँ। तो सारी इनकी केयर पहले करके फिर चलना पड़ता है, इनके लिए हैंकीज, इनके लिए सारा सामान जो भी है। और रास्ते में कभी इनको भूख लगी तो मिश्री वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट है सब कुछ रख के लेके चलना पड़ता है। और देखिए उसने इन दोनों के लिए बनाई थी काजू कतली, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है, मेरी तो फेवरेट है बहुत ज़्यादा। तो वो अच्छी कुकिंग कर लेती है, तो उसने घर पे ही ये काजू कतली बनाई थी इन दोनों के लिए, और दूध और काजू कतली का इन दोनों को नाश्ता दिया था उसने, कि मेरे घर पे आए हैं फर्स्ट टाइम तो मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ इनके लिए। तो इन्होंने तो खाई, साथ में हमने भी खाई, क्योंकि मेरी तो फेवरेट है ये। और दीदी इन दोनों को खिला पिला के आराम से इन दोनों को बिठा दिया है, और इसके बाद में ये दोनों अच्छे से बैठ करके ना इतनी मस्ती करने वाले, इतनी बातें करने वाले हैं कि बहुत ही ज़्यादा। तो एक को तो दूध पिला दिया है दीदी ने, आप छोटे वाले को आराम से बिठा करके आप लोग भी खा लीजिए ये काजू कतली, इसलिए मैंने थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा दी है। और मेरे बाबू ने भी दोनों ने खा ली है काजू कतली, और देखो कितने स्वीट लग रहे हैं, कितनी स्माइल इन दोनों की प्यारी है ना। और आप लोग भी बताना इस ड्रेस में कैसे लग रहे हैं दोनों। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग दूध का और इस मिठाई का क्या करते हैं, तो ये प्रसाद के रूप में हम लोग सब लोग खा लेते हैं इसको, और दूध को चाय में या किसी बच्चे को दूध दे देते हैं जो कि अपना पी लेते हैं। तो यहाँ हम लोग गए थे तो हमारा प्लान बन गया था रमन दीदी जाने का, नाइट में बीच वाली के हस्बैंड आ गए थे, तो हम लोग जा रहे हैं रमन दीदी घूमने के लिए, तो आप लोग भी चलो हमारे साथ में। तो नाइट हो चुकी थी काफ़ी, ये जो बीच वाली है इसको बहुत प्यार आ रहा था तो इनको छेड़ रही थी, और हम लोग पहुंच चुके हैं रमन रीति मंदिर। तो वहाँ पर एक फैमिली थी जो कि बहुत लाड़ आया, उनको बहुत प्यार आया बाबू के ऊपर, तो उन लोगों ने फ़ोटो शूट कराए इसके साथ में। और आरती हो चुकी है काफ़ी देर से, और हम लोग इधर बैठे हुए हैं, तो जितने भी संत ये हैं तो अपना पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं इधर बैठ करके, तो काफ़ी बड़ा पाठ होता है इनका जो कि इधर कर रहे हैं। और ये फैमिली देखो फ़ोटो शूट कराने में लगी हुई है, पीछे वाली सिस्टर ने भी फ़ोटो कराया लाला के साथ में,
और ये देखिए हमारे राधा रानी और कृष्ण भगवान है जो कि बहुत क्यूट लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ठंडी का टाइम है तो उन्हें ब्लैंकेट वगैरह उड़ा दिया गया है। और इधर देखिए काफ़ी बाहर से टूरिस्ट आते हैं जो कि वो इधर आकर के हमारी रज में जाकर के लेटते हैं, और ये रमन रीति में बताते हैं कि ज़रूरी होता है लेटना, तो जितने भी लोग आते हैं तो सभी लोग इधर लेटते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान इधर खेलते थे और इधर मिट्टी में काफ़ी मस्ती करते थे। और ये देखिए मेरे दोनों बाबू जो कि दोनों मस्ती कर रहे हैं आराम से बैठ करके, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत प्यार आ रहा था। थोड़ी देर तो मैंने इन लोगों का वीडियो बनाया, उसके बाद में मैंने भी इन दोनों के साथ फुल एंजॉय किया, मस्ती की इन दोनों के साथ में, और कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों मिट्टी में खेलते हुए। तो दीदी और ये मेरी बीच वाली सिस्टर है जो कि इन दोनों को मस्ती करा रही थी खूब सारी मिट्टी के अंदर। इन दोनों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की थी वहाँ पर मिट्टी में, और अच्छा भी लग रहा था। और इनके फेस की जो स्माइल थी ना कुछ अलग ही थी, दोनों इतने खुश हो रहे थे खेल के मिट्टी में, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और मुझे भी अच्छा लग रहा था इनकी स्माइल देख के क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, एक अलग ही क्यूटनेस थी इनके फेस पे, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहे थे। जो भी कोई आ रहा था सब इनको खिला रहा था, सब मस्ती कर रहे थे इनके साथ में। और उसके बाद में फिर मैंने भी बहुत सारी मस्ती की थी इनके साथ में। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं मिट्टी में, और ये मंदिर के ऊपर जो चाँद था और स्टार था बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसका भी शूट कर लिया जाए। और ये जो पीछे पर्दे लगे हुए ना मंदिर के, अब ब्रैकेट ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहे होंगे पिंक कलर के, तो इधर भी भगवान की प्रतिमा लगी हुई है जो कि वो ठंड की वजह से उन पर पर्दा डाल दिया गया है, क्योंकि ठंडी का मौसम होता है तो फिर पर्दा डाल दिया जाता है कि उनको ठंड ना लगे। और देखिए मस्ती करते हुए कान्हा जी मेरे हम लोग पहुँच चुके हैं घर। तो हम लोगों ने इधर प्रसाद ग्रहण किया था, नाइट में यहाँ पर प्रसाद मिलता है, कड़ी चावल रोटी सब्जी अचार बहुत सारा, मतलब मिठाई वगैरह खीर सब कुछ मिलती है प्रसाद में। मेरे लाला को अलग से चेयर बिछा करके बड़े संत आए थे यहाँ के और इनको प्रसाद ग्रहण कराया था, और बहुत ही अच्छा लगा। और उस जगह का हम वीडियो शूट करना मना था तो इसलिए हम लोगों ने वो वीडियो नहीं बनाई। और हम लोग पहुँच गए घर, तो फिर हमने बाबू को घर पर आ करके और खाना खिलाया कि हमें लगा शायद ये भूखे तो नहीं है, तो हमने इनको आकर के घर पे और भी बहुत सारा खाना खिलाया था। और ये देखो पता नहीं नाराज़ हो गया था, किसी के हाथ से खाना नहीं खा रहा था, ना दीदी के ना बीच वाली सिस्टर के हाथ से, और फिर इसको मैंने खिलाया था तब इसने खा लिया था। पता नहीं क्यों ये नाराज़ हो गया था, देखो किसी के भी हाथ से ये खाना खा ही नहीं रहा था। फिर दीदी मैंने इसको फिर मनाया है, इसको अच्छे से गोदी लिया तब जा कर के इसने खाना खाया, फिर मेरे हाथ से ही उसने खाना खाया था। और उसके बाद ये दोनों पहुंच गए अपने बेड पे, और फिर इन दोनों ने देखो बहुत सारी फ़ोटोशूट कराए और बहुत सारी बैठ करके आराम से बातें की और मस्ती की, और लग भी दोनों बहुत ज़्यादा स्वीट और क्यूट रहे हैं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं दोनों। और पता है जब ये चला जाएगा तो पता नहीं मेरा वाला कैसे रहेगा उसके बिना, और बहुत देखो कैसे ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ना बातें कर रहे हो। तो इन्होंने बहुत सारे फ़ोटो कराए थे ऐसे ही बैठ करके, और बहुत क्यूट भी लग रहे थे दोनों इस तरीके से बैठे हुए, तो मैंने बहुत सारे फ़ोटो लिए हैं इनके। तो आप लोग ज़रूर बताना आपको मेरे दोनों बाबू कैसे लगे, कितने क्यूट लगे। और ये देखिए नाइट हो चुकी है, इन दोनों की हो गई सोने की तैयारी, तो इन दोनों के हम हाथ पैर दबाएंगे, उसके बाद इनको सुलाएंगे। और आप लोग बताना मेरी वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।